हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एनसीईआरटी की, जो साइंस की बुक आपकी हम करवा रहे थे सिक्स क्लास की, उसका ये सिक्स चैप्टर है। वैसे कोई इतनी ज़्यादा कुछ इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट वाली कुछ समझने वाली बात है नहीं, लेकिन जिस टाइप से हमें मल्टीप्लाई करना है अगर, तो पहले हमें टेबल्स आनी चाहिए। उसी टाइप से अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है इंग्लिश का, तो ए बी सी डी जो लेटर्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए। उसी टाइप से फर्दर जो क्लासेस आपकी होंगी हायर क्लासेस, उनमें आपको अगर ये पूछना हो कि फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज कौन सा है, तो कैसे आप उनका पता लगाएंगे, उस चीज़ का ये बेस है वो चैप्टर जो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो दोस्तों, अगर आपने पहले के हमारे चैप्टर्स को नहीं देखा है तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, 5 चैप्टर्स हैं हमारे। क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जब आपका एग्ज़ाम आता है तो आप ये सोचते हैं कि हम एक दिन के अंदर सब कुछ पढ़ लें, तो वैसा हो नहीं सकता। इसलिए हमने आपको जितनी भी बेसिक बातें हैं उसी के लिए सीरीज़ शुरू की है, कि हो सकता है आपका 2019 में कोई और नवंबर दिसंबर में कोई एग्ज़ाम हो, तो तब तक हम आपकी जो लगभग जो चीज़ें हैं इन क्लासेज की कवर करवा देंगे। हर एक को चैप्टर वाइज उनके जो MCQs हैं, उनके एग्जाम्पलर क्वेश्चन हैं, उनके जो कंसेप्ट हैं, सभी को हम करवाने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको HSSC बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए होती हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस, या हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं। तो कुछ जो चेंजेस होते हैं हमारे चारों ओर, कुछ जो चीज़ें होती हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब जो बदलाव उनके अंदर हुआ है हम उनको वापस उसी स्थिति में लेकर आ सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ आप देखते हैं। जो एक्टिविटी नंबर एक है, एक गुब्बारा है, इसको बुलाया जाता है पहले, और जब उसकी हवा हम निकाल देते हैं तो वापस उसी पोजीशन में वो आ जाता है। इसके बाद एक सेकेंड एक्टिविटी है, इसमें आप देख रहे हैं एक कागज़ है, इससे ये एक जहाज़ बनाया है खिलौना, तो इसमें भी हम वापस रिवर्स कर सकते हैं इस चेंज को। इसके बाद थर्ड है, इसमें आटे से लोई बनाई गई है रोटी बनाने के लिए, अगर हमारी शेप सही नहीं होती तो हम दोबारा से उसको वापस उसकी लोई बना सकते हैं। ये कुछ चेंजेस थे जिनको हम रिवर्ट कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं, वापस उसी पोजीशन में लेकर आ सकते हैं जिसमें वो पहले थे। इसके बाद यही तीनों सेम एक्टिविटीज़, इनको दूसरे तरीके से अगर हम करते हैं, जैसे हमने गुब्बारा लिया, उसको पूरा हवा से भर दिया, फुला दिया, उसको एक नुकीली पेंसिल से हम टच करते हैं तो गुब्बारा फट जाता है। अब वो उसी सेम जो पोजीशन थी उसकी शुरुआत में, उसमें नहीं आ सकता। सेकंड में कागज़ के ऊपर हमने पिछली बार तो मोड़ कर उसको अलग अलग टाइप से खिलौना जो है जहाज़ बनाया था, अब की बार हमने कागज़ के ऊपर उसकी जो आकृति है उसको ड्रा किया है, उसका रेखा चित्र बनाया है, और जो हमने आकृति बनाई उसको बाहरी रेखा के साथ साथ हम काट लेते हैं, तो अब हम वापस उसी पोजीशन में नहीं आ सकते। इसके बाद थर्ड में वही एक्टिविटी, इस बार हमने जो लोई थी उसको बेलकर तवे पर हम सेक लेते हैं, तो अब वो उसी पोजीशन में नहीं आ सकती। इसके बाद आप साइड में ये एक टेबल देख रहे हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। जैसे कच्चा अगर अंडा है उसको हम उबाल लेते हैं तो उसका हम वापस उसी रूप में लेकर नहीं आ सकते। गाढ़े घोल से इडली हम बनाते हैं, गीले कपड़े हम सुखाते हैं उनको, इस टाइप से कुछ चेंजेस हैं जो कुछ तो हम इनमें से रिवर्ट कर सकते हैं, वापस उसी पोजीशन में लेकर आ सकते हैं, उनको उत्क्रमित कर सकते हैं। इसके बाद कुछ जो यूजेज हैं उनको, जो परिवर्तन करने के कुछ इस्तेमाल करने के अन्य तरीके हम लगा सकते हैं, या उनके फायदे भी हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये लकड़ी का जो हत्था है जो इन औजारों में हम लगाते हैं, तो वो कैसे लगाया जाता है, तो ये आप जो हाइलाइटेड चीज़ आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि लकड़ी का जो हत्था होता है उसका जो लोहे का जो वलय है उसको हम गर्म करते हैं और फिर वो फैल जाता है। मान लीजिए ये आप देख रहे हैं इस फोटो के अंदर, तो ये जो वलय था यहाँ पर लोहे का, इसको हम गर्म कर लेते हैं और फिर इसके अंदर जो ये हत्था है उसको फिट कर देंगे और वापस उसको ठंडा कर देंगे, तो उसके ऊपर वो कसा जाएगा। इसका हम इसीलिए इस्तेमाल भी करते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसमें जड़ दिया जाता है, जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे वह हत्थे पर कस जाता है।
सेम यही इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। जो पुराने ज़माने में बैलगाड़ियाँ होती थी उनके जो पहिए होते थे उसके ऊपर जो आप ये रिम देख रहे हैं लोहे की किसी भी धातु की हो सकती है, ये भी इसी टाइप से उसके ऊपर कसी जाती थी। पहले इसको गर्म किया जाता था और वापस इसको ठंडा कर दिया जाता था तो उसके ऊपर वो बिल्कुल सेट हो जाती थी। यहाँ पर ये जो पिछले हमने चैप्टर में पढ़ा था अध्याय 5 में हमने एक्टिविटी नंबर 7 की जो जल वाष्प है उसको अगर हम ठंडा करते हैं तो जल जो है द्रव में लिक्विड में चेंज हो जाता है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। वापिस ये हमसे वही बात पूछ रहा है कि गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है वह किस में बदल जाती है, क्या इस जल को वापस बर्फ़ में बदल सकते हैं? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। इसके बाद इसने जो एक्टिविटी है वो है आपकी मोमबत्ती का जो जलना है, हम मोमबत्ती को जो जलाते हैं तो उसमें जो मोम पिघलता है क्या हम इसको रिवर्ट कर सकते हैं, क्या उसकी साइज जो पहले थी वापस हम वही साइज उसकी ला सकते हैं। इसके अलावा धूप बत्ती के बारे में भी इसने यही जो है एक्टिविटी करने को हमें बोला है कि जो धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है जैसे राख और गैस के रूप में, तो कुछ जो चेंजेस होते हैं उनमें और इसके जो मेन जो चीज़ हमने शुरुआत में ली थी उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। और चैप्टर के लास्ट में हमसे ये बोल रहा है कि जितने भी जो परिवर्तन हैं इनमें हम दो तरीके से इनको विभाजित कर सकते हैं परिवर्तन, जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है या हम ये कहें विच कैन बी रिवर्टेड, और दूसरे होंगे जिनको हम रिवर्ट नहीं कर सकते या वापिस उसी स्थिति में नहीं लेकर आ सकते, उन्हें हम बोलेंगे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो ये दो चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर कुछ वैसे कोई खास बात थी नहीं, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में जो बताया है ये बेसिस है, बेसिक चीज़ है जो आपके आने वाली क्लासेस में काम आएगी जब आप ये पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज कौन सा होता है और केमिकल चेंज कौन सा होता है। ये जब आप अगले जो आपकी क्लासेस के वीडियोज़ होंगे उसमें भी हम आपको अच्छी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसके जो बाकी जो MCQs हैं एग्जाम्पलर हैं उनको हम अब पढ़ेंगे। तो ये हैं दोस्तों इस चैप्टर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन हैं जो NCERT हमें प्रोवाइड करवाती है। पहला क्वेश्चन है पिक द चेंज दैट कैन बी रिवर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ऐसे बदलाव को चुनिए जिसको हम उत्क्रमित या वापस उसी स्थिति में लेकर आ सकते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ को अगर हमने काट दिया तो वापस उसी स्थिति में नहीं आ सकता वो, अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानव की या हम कहें जो पूरा इंसानियत है उसकी सोल्व हो जाती। सेकेंड है मेल्टिंग ऑफ घी, और थर्ड है बर्निंग ऑफ कैंडल, और जो फूल है उसका खिलना ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। तो इसमें जो परिवर्तन है आपको पता है घी को हम पिघला सकते हैं, अगर हम उसको ठंडा करें तो वापस से उसको जमा भी सकते हैं, तो इसके अंदर आपका जो आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, निम्न में से किस बदलाव को हम वापस उत्क्रमित नहीं कर सकते, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, ओपनिंग ए डोर, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट। तो इसके अंदर आपको पता है सीमेंट एक बार अगर जम गई तो वापस हम उसको नहीं पिघला सकते, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम घरों में बनाने के लिए करते हैं, अगर ऐसा होता है कि वापस वो उसी पोजीशन में आ सकती तो आपको पता है कितना बड़ा नुकसान हमारा हो सकता है, जब उसको गर्मी झेलनी पड़े या लिक्विड की फॉर्म में अगर वो आ जाएगा तो कितनी बड़ी हानि हमें होगी। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका होगा ए आंसर है, इसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते, सीमेंट एक बार जमने के बाद अपनी आकृति जो ग्रहण कर लेता है उसी आकृति में रहता है। थर्ड क्वेश्चन है एन आयरन रिंग इज हीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट इज इनकरेक्ट, एक आयरन की जो लोहे की जो छल्ला है रिंग है उसको गर्म किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इट इज इनकरेक्ट, कौन सा जो कथन है वो इनमें से असत्य है, द रिंग एक्सपेंड्स, द रिंग ऑलमोस्ट कम टू द सेम साइज ऑन कूलिंग, द चेंज इन दिस केस इज रिवर्स, द रिंग चेंजेज इट्स शेप एंड चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। तो आपको पता है कि रिंग जो है उसकी शेप चेंज नहीं होगी और उसको रिवर्स हम कर सकते हैं क्योंकि जब वो ठंडा होगा तो वापिस अपनी उसी स्थिति के अंदर जो फैलता है वो ठंडा होने पर वापस उसी स्थिति में आ जाता है, तो ये बात यहाँ पर गलत है, इनकरेक्ट है, हम इसको उत्क्रमित कर सकते हैं। तो जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पर गलत है। व्हाइल लाइटिंग ए कैंडल पहली ऑब्जर्व द फॉलोइंग चेंजेस, एक मोमबत्ती को जब जला रही है पहली तो क्या देखती है क्या ऑब्जर्व करती है, वैक्सिंग, वैक्स वॉज मेल्टिंग, कैंडल वॉज बर्निंग, साइज ऑफ द कैंडल वॉज रिड्यूसिंग, मेल्टेड वैक्स वॉज गेटिंग सोलिडिफाइड।
तो इसमें एक से ज़्यादा कथन आपके सही होंगे, नीचे स्टेटमेंट्स हैं इनकी। तो आपका जो आंसर है इसके अंदर हमें देखना होगा कि कौन से जो हैं बदलाव इसके अंदर होंगे। इसके अंदर ये पूछा है ऑफ द अबो द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स, कौन से ऐसे बदलाव हैं जिनको हम उत्क्रमित या रिवर्ट कर सकते हैं, वापस उसी स्थिति में लेकर आ सकते हैं। तो आपका जो पहला है वैक्स वाज मेल्टिंग, जो मोम जो पिघल रहा है हम अब उसको ठंडा कर देंगे तो वापस उसी स्थिति में आ जाएगा वो। मेल्टेड वैक्स वाज गेटिंग सॉलिडिफाइड, जो मोम है वो जम जाता है, ये भी बात सही है। तो इसके अंदर आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा फर्स्ट और जो फोर्थ स्टेटमेंट है, इनको हम वापस रिवर्ट कर सकते हैं, उत्क्रमित हम इनको कर सकते हैं, पहली और जो चौथी जो स्टेटमेंट है। साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट सॉल्यूशन, साल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर बिकॉज, जो नमक है जो गुला हुआ है एक विलय के अंदर उसको हम अलग कर सकते हैं, किस लिए ये हमसे बात पूछी है। मिक्सिंग ऑफ साल्ट इन वाटर इज चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स बाय हीटिंग एंड मेल्टिंग ऑफ साल्ट, उसको गर्म करके और उसको पिघलाकर। मिक्सिंग ऑफ साल्ट इन वाटर इज ए चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते जो नमक हमने पानी के अंदर मिलाया है। थर्ड है मिक्सिंग ऑफ साल्ट इन वाटर इज ए परमानेंट चेंज, ये एक स्थाई बदलाव है कि अगर हमने मिला दिया उसके अंदर तो हम उसको रिवर्ट या उसको चेंज नहीं कर सकते, वो एक परमानेंट चेंज है। फोर्थ जो स्टेटमेंट है मिक्सिंग ऑफ साल्ट इन वाटर इज ए चेंज दैट कैन बी रिवर्स बाय इवेपोरेशन, ये चीज़ हमने पिछले चैप्टर में आपको बताई थी, इवेपोरेशन के द्वारा हम जो नमक पानी के अंदर घुला हुआ है वाष्पीकरण के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं। तो ये आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, अगर आपको अभी कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर तो आप पिछला चैप्टर का वीडियो हमारा देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलिंग ऑफ चपाती एंड बेकिंग ऑफ चपाती आर चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड कैन नॉट बी रिवर्स्ड कैन बी रिवर्स्ड एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड रिस्पेक्टिवली, कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड कैन बी रिवर्स्ड रिस्पेक्टिवली। तो जो दो बदलाव हैं रोलिंग ऑफ चपाती, जो रोल करते हैं हम चपाती को और उसको पकाते हैं, इनमें से कौन सा बदलाव है उसको हम कर सकते हैं रिवर्स और किस बदलाव को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो जो आपका पहला जो बदलाव है हमने पढ़ा था एक्टिविटी नंबर आपकी 3 जो हमने पढ़ी थी, लोइज हमने आटे की बनाई थी, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको पका दिया रोटी को सेक दिया तो हम उसको वापिस उसी स्थिति में लेकर नहीं आ सकते। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो सही हैं रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट चेंज कैन बी रिवर्स्ड बट सेकंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन है आयरन रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील, द रिम इज यूजुअली हीटेड बिफोर फिक्सिंग इट टू द वुडन व्हील बिकॉज ऑन हीटिंग द आयरन रिम, ये जो हमने पढ़ा था कि बैलगाड़ी का जो लकड़ी का पहिया है उसके लिए जो रिम बनाई जाती है वो जो पहिया है उससे थोड़ी छोटी बनाई जाती है, क्योंकि द रिम इज यूजुअली हीटेड बिफोर फिक्सिंग इनटू द वुडन व्हील, को जो रिम है उसको फिक्स करने से पहले उसको गर्म किया जाता है, क्यों गर्म किया जाता है ये बात हमसे पूछी है। तो इसके अंदर आपको पता है अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो फैलेगी और फिर हम उसके ऊपर जो लकड़ी का पहिया है उसके ऊपर उसको फिट कर देंगे और जब उसको ठंडा करेंगे तो वो उसके ऊपर बिल्कुल कसी जाएगी, उसके ऊपर सही पोजीशन में आ जाएगी। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, पहले वो एक्सपेंड होगी, फैलेगी पहले, देन ऑन कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स ऑन टू द वुडन व्हील, और जब हम उसको ठंडे करेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी और जो पहिया है उसके ऊपर बिल्कुल सही फिट हो जाएगी। तो इसके अंदर आपका जो डी जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। तो ये थे आपके 7 क्वेश्चन दोस्तों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और जो 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो सीरीज़ हमारी है वो मैं लगभग आपको जो संडे है संडे इवनिंग तक कंप्लीट जो आपके सारे चैप्टर हैं वो करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो, और शेयर ज़रूर करें फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ पर आप कर सकते हैं, और आपको पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।